तो रंजनपाड़ा रेलवे स्टेशन जो यहाँ से नियर बाई है वो 15 किलोमीटर्स दिखा रहे हैं यहाँ यहाँ से इस लोकेशन से। ओके ये रहा वो लोकेशन, देखते हैं चलो। ये देख रहे हो मुर्गी पकड़ रही है, पकड़ पकड़ मुर्गी पकड़ जल्दी पकड़। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। सो आई एम स्टिल रिकवरिंग जो मेरे साथ स्पिति में हुआ उससे, थोड़ा हल्का हल्का सा फीवर है और गला जा चुका है एंड थोड़ा चेस्ट पेन है, बट ठीक है अभी आई एम डूइंग गुड। और अभी मैं जा रहा हूँ, आपको मालूम है महा मुंबई बन रहा है, अभी रिसेंटली मोदी ने डिक्लेयर किया है कि जहाँ पे नई मुंबई का मेट्रो बोल रहा हूँ आपको एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पे महा मुंबई डिक्लेयर किया है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी सम प्लॉट्स, वहाँ पे प्लॉट सेलिंग हो रहा है, लैंड में प्लॉट सेल कर रहे हैं गुंठा के हिसाब से, गुंठा मतलब स्क्वायर फीट्स के हिसाब से। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं क्योंकि वो एरिया डेवलपमेंट पे है, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए। सो लेट्स सी क्या है वहाँ का फ्यूचर स्कोप और जो भी है आपको पूरे इस व्लॉग में दिखाएंगे। चलो तो मेरी टाटा नेक्सॉन रेडी है, अब यहाँ से हमारा 42 किलोमीटर्स का वन साइड का जर्नी होने वाला है टुवर्ड्स दैट स्पॉट। तो चलो जर्नी शुरू करते हैं और आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, मतलब वो पूरा लैंड दिखाएंगे जहाँ हम लोग जा रहे हैं देखने। तो मैं आ चुका हूँ बेलापुर जहाँ पे उनका ऑफिस है, और अभी उनके ऑफिस में पहले देखेंगे व्हाट द प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट, उसके बाद वो लोग हमको साइट पे लेके जाएंगे। तो चलो पहले उनके ऑफिस में जाते हैं, प्रोजेक्ट देखते हैं क्या द डिटेल, उसके बाद हम लोग निकलेंगे साइट के लिए। ये ऑफिस स्पेस है, ये इनके कस्टमर्स हैं, आई थिंक आर हैप्पी कस्टमर्स करके बहुतों ने लिया है, तो आई थिंक ट्रस्टेबल कंपनी तो है, इनसे ले सकते हैं। तो अपने को देखना है कि प्रॉफिट क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट का आगे जा करके, सब कुछ एक बार देखते सर्वे करते मतलब आएंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे साइट विज़िट करने, और गाड़ी वाले भैया हमको लेके जाएंगे और साइट विज़िट कराएंगे। तो हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स, सब दिखाएंगे, जो मेरे को समझेगा मैं आपको भी समझाऊंगा और दिखाऊंगा पूरा एक एक करके। इसके सिडको की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं ये, हाँ, जो कि ये सावंतवाड़ी एक्सप्रेस है और एक कॉरिडोर है, और अभी हम खड़े यहाँ पे येलो लाइन पे, ये रंजनपाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसके नीचे से जो रोड जा रहा है ना वो ये वो प्लॉट कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से अंदर वाला वो वाला गांव के अंदर ठीक है। और जो हम ये देखने वाले हैं ना, तो यहाँ से ये कोटा ब्रिज करके यहाँ से अंदर जाने वाले हैं, यहाँ पे इस साइड में देखने वाले, मतलब वो साइड आएगा यहाँ से आगे जाके घूम के जाके वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला प्लॉट वो है जो आप लोगों ने आठ घंटे वाला, यहाँ पे नजदीक नहीं है सर, जो कि राइट साइड में आपको एक गांव दिख रहा है व्हाइट कलर का, हाँ हाँ वो दिख रहा है, हाँ, उसके अंदर ही है ना, लोकेशन भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप ये रंजनपाड़ा रेलवे स्टेशन, उसके आगे नावा सेवा है, हाँ। उसके आगे द्रोणागिरी है और उसके आगे उरण, क्योंकि यहाँ पे दो लोकल मिलती है आपको, रंजनपाड़ा और नावा सेवा रेलवे स्टेशन दो मिलता है, समझ गया। अगर आप जगह लेते हो मार्किंग वगैरह डिमार्केशन किया जाता है, उसमें अगर आपको कोई बोर्ड लगा रहा है तो वो बोलता है सर आप आपकी जगह पे बोर्ड लगा रहे हो आप भाड़ा ले सकते हो, अभी इसका 10,000 रुपये भाड़ा है, मतलब ये सिर्फ ये 21,000 बुकिंग रकम के, मतलब जो बोर्ड लगा है उसने, तो उसने 10,000 रुपये लिया है महीने का, जिसका जगह है ना उसने, हाँ। ये लिया डिमार्केशन ही होता है, ओके जो आपको जगह बताई थी ना उस साइड में, क्योंकि मैं डायरेक्ट प्लॉट के बारे में बता दिया, अच्छा उस साइड में यहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो ये कौन सा वाला है? ये आपको मैडम ने बताएगा सिल्वर और गोल्ड है, दो पैटर्न बताए थे ना, हाँ। जो कि 2,00,000 कुछ, हाँ 2,40,000, हाँ, सिल्वर है, हाँ, यहाँ पे आएगा ये सिल्वर है, हाँ, मतलब ये थोड़ा सा अंदर मिलेगा प्लॉट आपको, कितना अंदर होगा फिर भी? दो तीन प्लॉट, छह प्लॉट पकड़ के अंदर पकड़ लीजिए, मतलब वो पोल है ना जो लाइन का इलेक्ट्रिसिटी का पोल गया है, साइड में मिलेगा जो कि फ्रंट साइड में ये प्लॉट आएंगे, ये है गोल्ड वाले, हाँ गोल्ड वाले,
और आगे भी है जो कि आपको जो ब्रॉन्ज वाले ये रोड वाले आ जाएंगे ना, ये रोड पे आएगा। हाँ, ये रोड है, ये गोल्ड वाले हैं। यहाँ पे मतलब आप अभी भी लेते हो और कुछ मतलब होटल या कुछ दुकान भी डालते हो ना, चल जाएगा आराम से। सही बात है। अभी धूप की धूप भी है, मैच भी चल रहा है। और ये जो मतलब ये घेरा हुआ है व्हाइट व्हाइट, ये पब्लिक ले लिया है क्या? हाँ, ये प्लॉट ऑलरेडी टेकन है, जितने भी ये व्हाइट इन्होंने पिलर्स डाले ना, वो कंपनी ने डाल के जिसका प्लॉट हो चुका उसको दिए। हाँ, तो ये गोल्ड वाले, ये गोल्ड हो गया, मतलब वो पोल के पहले वाले सब सब गोल्ड में आते हैं। ठीक है, यहाँ से है ना ये पूरा जो पेड़ दिख रहा है ना, उसके पीछे के दो प्लॉट छोड़ के अपना पूरा ये जाएगा। वो ग्रीन वाला पेड़ की ये ब्राउन वाला? अच्छा, ये सब इसमें गोल्ड में जाएगा, ये सारे गोल्ड है। हाँ, गोल्ड है। और ब्रॉन्ज कौन सा है? ब्रॉन्ज वो जो पेड़ के नीचे। अच्छा, पेड़ के ये जो पिलर है, पिलर है उसके पीछे वाला, उसके पीछे ये अपना उस लोकेशन से 2 किलोमीटर अंदर। अब एग्जैक्ट इधर से रंजनपाड़ा स्टेशन हमको देखना है, अगर मैप चालू करो तो जरा अभी पता चल जाएगा ना एग्जैक्ट। अभी यही हम लोग देख लेते हैं ना कि कितना रंजनपाड़ा स्टेशन जो यहाँ का लोकल स्टेशन है वो एग्जैक्ट इस पॉइंट से कितना दूर है, हमको भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या रहने वाला है, सो दैट हम भी क्लियर हो जाएं। बट लोकेशन तो रोड पे, ये रहा रोड, यहाँ पे पूरा रोड है और ये रहा प्लॉट जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। तो रंजनपाड़ा रेलवे स्टेशन जो यहाँ से नियर बाय है वो 15 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ, जहाँ से इस लोकेशन से। ओके, ये रहा वो लोकेशन, देखते हैं चलो। अभी हम यहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये मूंग दाल भज्जे बन रहे हैं 30 रुपये के 100 ग्राम, और यहाँ वड़ा पाव है। ये लोकल मार्केट है पूरा। तो भज्जी खाएंगे और यहाँ पानी पूरी भी है। तो भज्जी तो ऑर्डर कर दिए, थोड़ा पानी पूरी भी ट्राई कर ही लेते हैं। सो फाइनली हमने बुकिंग किया है कुछ गुंठे, वो क्या है वो सब फाइनल चल रहा है अभी, बट हमने फाइनली बुकिंग कर लिया है। अब इन पोस्टरों में हमारा भी कहीं तो नाम होगा, होगा कि नहीं मालूम नहीं, बट नाम होगा। सो बुकिंग हैज़ बीन डन। अब नई मुंबई में हमारे पास भी खुद का प्लॉट है, ज़मीन है, हम भी बंगला बांधेंगे। बुकिंग डन, अब समय है वापस घर जाने का। हमने फाइनली 6 घंटा ज़मीन ले लिया है, दैट मीन्स अराउंड 6,500 स्क्वायर फीट, हाँ समथिंग अराउंड दैट, 6,500 स्क्वायर फीट की ज़मीन हमने बुक कर लिए नवी मुंबई में। तो चलो फर्स्ट अचीवमेंट डन, चलते हैं अभी घर। तो हम वापस आ चुके हैं और अभी अपने एरिया में एक ज्वेलर्स हैं, उसके वहाँ पे मेरे भाई का एक चेन टूट गया था, तो वही दिखाने आए हैं। तो नया लेगा या क्या, जो भी शायद नया लेगा चेन करके, तो वही देखते चलो। ये देखो इसका सोने का टूट गया था, तो अभी ऐसा ले रहे हैं एकदम छपरी बनने के स्टाइल में। ए छपरी, रोहित तेरे को कौन सा लेना है? ये लेना है, ये छपरी वाला? नहीं नहीं, पतला देखो, ये देखो एकदम छपरी वाला ले रहा है, छपरी छपरी। आपको पहनने की मुझे नहीं नहीं नहीं, चांदी इतना मोटा एकदम गंवार को माफिक लगेगा। गंवार बोल दिया, गंवार छपरी छपरी। अरे मत दिखाना ऐसे, छपरी छपरी एकदम छपरी, एकदम छपरी, थोड़ा शॉर्ट चाहिए मतलब, एकदम छपरी बन रहे हैं। चलो इसको ले लेने दो, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल कौन सा लिया। अभी चांदी से सोने पे आ चुके हम लोग, चांदी कैंसिल, छपरी नहीं बन गई, सोना। ये ज्यादा पहनने दो इसको, ऑफिस में भी जाएगा सैलरी में ना, ज्यादा आप में आएगा नहीं, देखने पास दिखेगा, मस्त है। अच्छा दिखेगा ना, हाँ ट्राई कराओ। इसका भी भाव बताओ, मेरे बजरंग बली का भाव होना चाहिए, बाकी तुम किसी का भाव दो या मत दो। अच्छा 25 तोला 25 तोला 22 तोला। अच्छा लग रहा है, सेमी मस्त है एकदम यार, फैंसी है, ये दिखेगा बहुत, वो दिखेगा ना, ये सब नहीं दिखेगा, छोटा दिखाओ छोटा।
मैंने भी अभी एक ऐसा चेन ट्राई करने को लिया है और सोच रहा हूँ मैं भी अपना चेन चेंज कर लूँ, तो देख रहा हूँ कैसा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मैं एक ट्राई कर लेता हूँ और अच्छा लगा तो मैं ये ले लूँगा। मैं अपना नया गोल्ड चेन ट्राई कर रहा हूँ, सोचा कि मैं भी कुछ नया ले लूँ, मेरे बजरंग बली को नया मिल गया। लग रहा है एकदम कंकार है ना, एकदम जम रहा है, दोनों को दे दो एक एक। सही लग रहा है यार, फिर देखते इसका भाव कितना है, इसका कितना भाव होगा, इसका बता, आप ही बता इसका भाव कितना है। निकाल के देखना पड़ेगा, निकाल लो, निकाल लो, खोल लो, निकाल लो। तुम्हारा ही बजरंग बली है ना? बजरंग बली मेरा है, मतलब इसका चेन का रेट पूछ रहा हूँ मैं, बताओ रेट क्या है। सो मैंने ये नया गोल्ड चेन लिया है, सही लग रहा है ना, एकदम लग रहा है ना मेरे पे, एकदम सूट कर रहा है ना नया गोल्ड चेन। थोड़ा मेरे को लगा मेरे हनुमान भगवान को थोड़ा एक नया लॉकेट की ज़रूरत है, क्योंकि 8 साल हो गया था उसको पहनते हुए, उस वाले को पहनते हुए, तो नया ले लिया मैंने। आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड, मम्मी अच्छा लग रहा है। जय बजरंग बली। अभी हम लोग जा रहे हैं, आज हम इधर आए हैं जम्बो फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे एक फैमिली फ्रेंड का बर्थडे उसके लिए आए हैं। देखो अलग ही वाइब है ना, फुल ढाबा फील है यहाँ पे, ढाबा। तो यहीं पे डिनर के लिए आए हैं। आउटसाइड फूड एंड बेवरेजेस नॉट अलाउड। एम्बियंस दिखाता हूँ आपको इस जगह का, जंबो सही है एम्बियंस यहाँ पे, देख रहे हो फुल वाइब है। चलो घुमाता हूँ आपको एक बार, पूरा प्रॉपर्टी घुमाता हूँ। यहाँ मेल सेक्शन अलग बनाया गया है, और यहाँ पे बड़ा स्क्रीनिंग भी लगा है। एम्बियंस काफ़ी सही यार। चलो कुछ खाते पीते हैं फिर। बोलो हाय, हाय करो, हाय करो, हाय। यहाँ बहुत चल रहा है, सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे, सब बिजी है खाने में, फूड इज कमिंग एंड पीपल आर ईटिंग। ये मेरा भाई है, खाना खा रहे, खाओ सब खाओ। अवन्या हाई फाई, हाई फाई। अवन्या अवन्या लो फाई, अवन्या लो फाई दे 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 दे, जल्दी दे, लो फाई लो फाई लो फाई लो फाई लो फाई, जल्दी 1 2 एक और एक और एक और एक और, वन मो 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 वन मो। ये बच्ची बहुत ढीठ है यार, थकती नहीं। सो आई एम डन फॉर द डे, अब है सोने का टाइम, मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में।